जे गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। आपके जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद सदा बना रहे, यही मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से है। मित्रों, अभी आपको स्वाध्याय का महत्व बताया जा रहा था। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको चार चीजों जिनके बारे में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया जाता है, जो कि हर सफल व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है। गुरुदेव ने उनको बताया साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। तभी स्वाध्याय के ऊपर आपको विस्तृत चर्चा किया जा रहा था। मित्रों, एक बात तो है कि हम लोगों ने जिस देश को देख करके उसका कॉपी करने का प्रयास किया है वो हमेशा कॉपी ही रह जाता है। फोटोकॉपी को क्या कहा जाता है? डुप्लीकेट कॉपी है। ओरिजिनल प्रिंट हमेशा ओरिजिनल ही रहता है। ये आवश्यक नहीं कि किसी दूसरे देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसे हम अपने देश में अपनाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है, या फिर हमारी जो संस्कृति है उसका कॉपी लोग करेंगे तो वो देश आगे बढ़ सकता है। मित्रों, अगर आगे बढ़ना होगा तो किसी की कॉपी करके आगे कभी नहीं बढ़ा जा सकता है। कॉपी कर करके अपने अंदर अगर सद्विचारों को, सद्भावनाओं को हम बढ़ाने का प्रयास करें तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग दूसरे के फैशन को देख करके कॉपी करने का प्रयास करते हैं, दूसरे के चीज़ों को देख करके सीखने का प्रयास करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा कलंक जो कि पश्चिमी देशों का, वेस्टर्न कल्चर का था, वर्तमान समय में वो लोग छोड़ रहा है। आप न्यूज़पेपर आज का देखेंगे तो पता चलेगा वो लोग उससे उब चुका है और हमारे भारत में उसको एक फैशन माना जाता है। मेरे मित्र, बाहर जो दुनिया जिस चीज़ों को रिजेक्ट कर रही है, बड़े ही अफसोस की बात है कि हम लोग उसे अब खुशी के साथ अपना रहे हैं। जिस समय अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, यहाँ पर लोगों की आबादी जो थी वो 33 करोड़ थी, यानी 33 करोड़ लोग यहाँ पर रहते थे। कहा जाता था कि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता भारत में निवास करते थे, आप लोग सुने भी होंगे। कितना कोटि? 33 कोटि देवी देवता कहा जाता था। इसका मतलब कोई भगवान नहीं, कोई पूजा पाठ करने वाले भगवान नहीं, यहाँ के लोगों की जो संख्या थी वो 33 करोड़ थी। भारत में कहा जाता था दूध दही की नदियां बहती है। इसका मतलब ये थोड़ी था कि नदी में पानी की जगह दूध बह रहा है, ऐसा नहीं था, नदी में पानी ही बहता था। लेकिन सभी लोगों के घर के दरवाजों पर गाय होती थी, कोई भी आकर के बैठता था तो उसे भर पेट दूध से बना हुआ सामान खिलाया जाता था, उसका आदर सत्कार किया जाता था। अंग्रेज सब आया, आकर के बैठा तो उसका भरपूर आदर सत्कार हुआ, पूरा रबड़ी, मेवा, मिठाई, पेड़ा वड़ा सब उसको खिलाया गया। कहा कि वाह, हमारे इंग्लैंड में तो लोग आता है तो सबको एक गिलास पानी, बिस्कुट खिला पिला दिया जाता है, या इंडिया में देखो भर पेट दूध से बना सामान खिलाया जा रहा। कहीं ना कहीं ये सारी जो संस्कृति हमारी थी, लोग खुश रहा करते थे, टेंशन फ्री रहा करते थे। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करने आने के कारण हम लोगों के जीवन में समस्या आती चली गई। टेक्नोलॉजी अच्छी बात, हम लोगों को याद है 9th-10th में हम लोग ऐसे लिखा करते थे, बोर्ड एग्जाम में भी आया था, विज्ञान वरदान या अभिशाप। आप लोगों ने भी लिखा होगा ऐसे, विज्ञान वरदान या अभिशाप, निश्चित रूप से दोनों है। अब उस विज्ञान का यूज करना कितना हमें आ रहा है और उस विज्ञान का मिसयूज हम कितना कर पा रहे हैं, ये हमारी मस्तिष्क क्षमताओं पर निर्भर है, हमारे दिमाग के ऊपर निर्भर है। एक बार की घटना घटी, स्वामी विवेकानंद शिकागो जा रहे थे, तो जब वो शिकागो जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उनसे मजाक किया, कहा स्वामी जी आप जिस देश से आए हो उस देश के लोगों को तो रहने नहीं आता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, आप कौन सी संस्कृति हम लोगों को बताओगे, आपके देश में संस्कृति कहाँ है? विवेकानंद मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि तुम कैसे कह रहे हो कि हमारे देश की संस्कृति नहीं है? बोले अगर संस्कृति रहता तो आप जा रहे हो शिकागो जैसे देश में, आपने तो कपड़ा बेढंगा पहना हुआ है। पूछा क्या बेढंगा कपड़ा पहने हुए है? तो कोई मुरेठा बांध करके जाता है लेक्चर देने के लिए, कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके जाता है लेक्चर देने के लिए, लेक्चर देने जा रहे हो कोट टाई बेल्ट पहन करके जाओ अच्छे से। विवेकानंद मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि बेटा तेरे यहाँ की संस्कृति 2% का दर्जी सिखाता है, जिसको कपड़ा काट करके दे दो वो सिल देता है, लेकिन हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो हमारा अध्यात्म सिखाता है, जिसके बदौलत भारत के लोग हमेशा खुश रहते हैं, भारत के लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनको शर्म नहीं लगा, मुगड़ी बांध जो बांधते थे सिर पर वो बांधा, अपना गेरुआ कपड़ा पहन करके पहुंचे शिकागो में और जाकर के लोहे की चोट पर, डंके की चोट पर लोगों को प्रूफ किया। विश्व का सबसे पहला अगर कोई किताब लिखा गया, पुस्तक लिखा गया तो भारत में लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया भारत में लिखा गया। मेरे मित्र, भारत की संस्कृति सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा समृद्ध अगर संस्कृति है तो हम लोगों की है। तो कृपया हम लोग दूसरों का कॉपी
न करें, हमारे पास जो हमारा धरोहर है उस धरोहर को पहचानने का प्रयास करें। जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम लोग डेविएट होकर के अलग अलग रास्ता खोजते हैं, समस्या आई तो बैठ करके मोबाइल पर उसका सॉल्यूशन खोजते हैं। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आता होगा आप यूट्यूब खोलते होंगे, खोल करके देखना शुरू करते होंगे कि फलना मोटिवेटर क्या कहा है इसके बारे में। अब वो मोटिवेटर का विचार कभी आपके जीवन में अप्लाई नहीं होने वाला, दो मिनट गुदगुदाएगा, पंप मारेगा, आप फूल जाओगे, फिर अगला दिन वही समस्या आपके जीवन में आएगा, हवा निकल जाएगा, फिर पंचर। मेरे मित्र, समस्याओं का अगर समाधान करना है तो खुद ध्यान पर बैठ करके अपने भीतर से समस्या का समाधान निकालना होगा। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा अपदीपो भव। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश यही था, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी समस्याओं को खुद खोजो। लेकिन खोजोगे कब? जब तुम अस्थिर बैठना सीख लोगे, एक जगह बैठना सीख लोगे। आपसे निवेदन किया जाता है 20 मिनट प्रत्येक दिन ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। वर्तमान समय में मेडिकल साइंस ने इसको प्रूफ कर दिया, एम्स के डॉक्टर, आईआईटी के साइंटिस्ट, प्रोफेसर लोग इसके ऊपर रिसर्च करके एक दो साल से नहीं, 98-97 से रिसर्च चल रहा है। 2019 में रिजल्ट दिया कि अगर मस्तिष्क को तेज करना है तो विद्यार्थी को गायत्री मंत्र करना चाहिए, विद्यार्थी को ध्यान करना चाहिए। अभी के समय का कौन ऐसा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है जो मेडिटेशन नहीं करता? सारे लोग करते हैं। खेल जगत के, क्रिकेट के सबसे टॉप लोग जो रह चुके हैं वो लोग प्रत्येक दिन ध्यान करते हैं। विद्यार्थी को बोला जाता है ध्यान करो, वो दाची आड़ता है, नहीं हो पाएगा हमसे। सोचने वाली बात है, क्रिकेटर लोगों के पास टाइम है, साइंटिस्टों वैज्ञानिक लोगों के पास टाइम, और विद्यार्थी के पास टाइम ही नहीं है, बहुत बड़ा बिजी पर्सन बना हुआ है। इसलिए 20 मिनट अगर आप बैठना सीख गए, एक स्थान पर बैठना सीख गए, आप एनालिसिस लगातार चिंतन करते हो गायत्री मंत्र के माध्यम से, और गायत्री मंत्र तो एक ऐसा मंत्र है जो आपके अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा देता है, शरीर के अंदर एनर्जी देता है, साइंटिफिक मंत्र है मेरे मित्र। 24 अक्षर का गायत्री महामंत्र जब आप करते हो तो आपके मस्तिष्क की 24 ग्रंथियां झंकृत होती हैं और उसमें रक्त का प्रवाह अच्छे से होने लगता है, मस्तिष्क के सारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका टेंशन डिप्रेशन खत्म होते चला जाता है। 24 ग्रंथियों को झंकृत करने वाला गायत्री मंत्र का 24 शब्द है, आप उसका नियमित उपासना कर करके देखिए। गायत्री मंत्र में आप कहते हो ओम भूर्भुवः स्वः, जिसका मतलब होता है इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सूर्य की ऊर्जा को हम वरेण्य करें, धारण करें, भर्गो, वह ऊर्जा हमारे जीवन की बुराइयों को जलाए, देवस्य, हमें देवता बनाए, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु हमारी बुद्धि को सदमार्ग में लगा दो। लास्ट में कहते हो प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को सदमार्ग में लगा दो, धक्का मार करके सदमार्ग में लगा दो। पोलाइटली नहीं कहते हो, लगा दीजिए ना, क्या कहते हो आप? धक्का मार करके हमारी बुद्धि को, बलपूर्वक हमारी बुद्धि को सदमार्ग में लगा दीजिए। गायत्री मंत्र तो यही है, लगातार आप रिपीट करते हो, कंटिन्यूअस रिपीट करते हो। भगवान भी कहता है कि बेटा मांग क्या रहा, सद्बुद्धि तो मांग रहा, सद्बुद्धि दे दिया जाए। विवेकानंद कहा करते थे जिस प्रकार राजा से उसके योग्य वस्तु मांगी जाती है, उसी प्रकार अगर भगवान से मांगने वाली कोई वस्तु है तो सद्बुद्धि है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भगवान से मांग सकते हो। सद्बुद्धि अगर भगवान ने दे दिया तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आप खुद कर सकते हो। जीवन में समस्याएं आएंगी, अब किसी के जीवन में समस्या इसलिए नहीं आती कि उसे तोड़ करके उसको गर्त में ढा दिया जाए। किसी के भी जीवन में समस्या आती है तो इसलिए नहीं आती कि उसको परेशान किया जाए, उसका कैरियर तबाह कर दिया जाए, उसके जीवन में नकारात्मकता भर दिया जाए। समस्या इसलिए आती है कि आपको पॉलिश करता हुआ आपके व्यक्तित्व को निखार सके। एक बार की घटना घटी, एक पुस्तक में हम कहानी पढ़ रहे थे, एक राजा थे, राजा के साथ एक मंत्री रहा करते थे। मंत्री लोग तो बहुत चालाक होते हैं, आप सभी जानते हो, अभी भी अपने सरकार में भी बहुत मंत्री लोग हैं। तो राजा के साथ एक मंत्री थे, तो राजा ने एक दिन प्लान बनाया कि चलो शिकार पर चलते हैं, मंत्री को लिया और शिकार पर आ गए राजा। तो जब रास्ते में मंत्री के साथ शिकार पर आते हैं, कई सारे जानवरों का राजा शिकार करते हैं, शाम होने लगता है तो राजा रास्ता भटक जाते हैं जंगल में। मंत्री की एक बड़ी बहुत अच्छी आदत कह लो या बुरी आदत कह लो, हर 5-5 मिनट पर उसको आदत था, वो कहता था भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हर 2-2 मिनट पर उसको अंदर से आता था, कहता था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा बेचारे जंगल में भटके थे, दिन भर का शिकार किए थे, भूख प्यास लगी थी, रास्ता तो भटक चुके थे, अंधेरा हो चुका था। कहते हैं मंत्री हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? मंत्री ने कहा भगवान की बहुत कृपा है, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा कहते हैं गजब का ही पागल है, अंधेरा में हम लोग परेशान हो रहे, कह रहे जो हुआ अच्छा हुआ। पूछा रास्ता खोजो, मंत्री ने कहा कि अब रास्ता कहाँ मिलेगा, हम लोगों को रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी। फिर कुछ देर के बाद राजा देखते हैं कि सामने से एक जंगली सुअर जा रहा था, राजा सोचते हैं कि इसका शिकार करते हैं।
शिकार करने के लिए कमान निकालते हैं, तीर निकालते हैं राजा, और सुअर के तरफ जब तीर को चलाते हैं तो इस क्रिया में लोहे से उनका उंगली कट जाता है, तीर से उनका उंगली पूरा का पूरा कट जाता है। दर्द से राजा का पूरा मन बेचैन हो उठता है, तो मंत्री कहता है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। अब राजा कहते हैं तू पागल ओगल हो गया है, उंगली कट गया, कष्ट हमें हो रहा है, तू कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा होती है, जाओ तुमको हम देश निकाला दे देते हैं, मेरे राज्य से निकल जाओ। मंत्री कहता है भगवान की बड़ी कृपा हो गई, हम जा रहे हैं यहाँ से। मंत्री बेचारा वहां से निकल जाता है, काफी दूर मंत्री चला जाता है। जाने के बाद जंगल में ही बैठ करके तपस्या करने लगता है। राजा बेचारे अपने घोड़े पर ही रथ पर ही बैठ करके सोने का बंदोबस्त बनाते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि आदिवासी सब आ गया। आदिवासी सबको तो आप जानते ही हो, सब तलवार लेकर के झिंगा लाला करते रहता है। आ जाता है, आकर के पूरा राजा को चारों तरफ से घेर लेता है और पकड़ करके कबीले के सरदार के पास लेकर के जाता है, आदिवासियों के सरदार के पास लेकर के जाता है। जब राजा वहां सरदार के पास पहुंचते हैं तो सरदार से कहते हैं बताइए, सरदार कबीले का सरदार कहता है अब तो तुमको बलि दिया जाएगा, हमारी जो देवी माता है उनको बलि दी जाएगी, रात के 2 बजे तुमको काट दिया जाएगा, तुम्हारा गर्दन काट दिया जाएगा। राजा कहते हैं कि हम फलना जगह के राजा हैं। वो कहता है उससे कोई दिक्कत नहीं, हम ये जगह के राजा हैं, बलि तो दी जानी है, गर्दन तो तुम्हारा कटेगा ही कटेगा। राजा बेचारे सोच में पड़ जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं था। रात में निर्धारित समय पर राजा को सुलाया जाता है और सुला करके गर्दन पर तलवार लटकाया जाता है कि तुम्हें काटा जाएगा। तब तक जो बलि दे रहा था उसकी नजर पड़ गई राजा के कटी हुई उंगली पर, उससे तो खून टपक रहा था। भागा भागा अपने सरदार के पास जाता है, जाकर के कहता है सरदार इसकी बलि नहीं दी जा सकती है। पूछा क्यों बलि नहीं दी जा सकती, अरे उसकी एक उंगली कटी हुई है और जो अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं दी जा सकती है, उंगली कटा हुआ है बलि इसकी नहीं दी जा सकती है। राजा के जान में जान आती है, जाते हैं सरदार के पास, सरदार कहते हैं जाओ तुम बच गया आज, नहीं तो आज तो तुमको हम मारिए देते, उंगली कटा हुआ है जाओ तुम रिटर्न हो जाओ। बेचारा आ जाता है अपने घर में आ जाता है। महल में आने के बाद राजा अपने एक मंत्री से कहता है जाओ उस मंत्री को खोज करके ले आओ जिसने कहा था भगवान की कृपा हो गई, सही में भगवान का कृपा था, जाओ मंत्री को खोज करके ले आओ। मंत्री को चारों तरफ खोजा जाता है तो बेचारे मंत्री मिलते हैं जंगल में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। मंत्री को बुलाया जाता है, मंत्री राजा के पास आते हैं तो राजा मंत्री से पूछता है अच्छा बताओ रात में हम लोग रास्ता भटक गए थे, इसमें भगवान की क्या कृपा थी, तू कहा भगवान की बड़ी कृपा है। कहते भगवान की कृपा ही थी, रास्ता भटक जाने के कारण ही हम दोनों की जान बच गई, हो सकता है बाहर निकलते कुछ तीसरी अनहोनी घटना घट जाती, हम लोग मर जाते, चलो अच्छी बात है। मेरा उंगली कट गया इसमें भगवान की कौन सी कृपा थी, अरे तो उंगली नहीं कटता तो आपको वो सब काट देता, भगवान की कृपा थी कि आप बच गए, इसमें भी भगवान की कृपा, चलो ये दोनों ये भी बात अच्छी है। तुमको जब हम यहां से कह दिए कि मेरे देश से निकल जाओ ये तो तुम्हारे लिए घर निकालने वाला बात हो गया, इसमें भी तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है, कहा कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा अभी तक में वही थी, अगर आपके साथ रहते तो हम भी पकड़ा जाते हैं, और मेरा तो कुछ कटा नहीं था, वो सब पकड़ के हमको काट देता, तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमारे साथ घटी। मित्रों भगवान जीवन में कुछ भी देते हैं कुछ सोच करके देते हैं, सबके जीवन में अलग अलग समस्याएं रहती है, ये नहीं कि सबके जीवन में एक तरीके का सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता है। मित्रों परीक्षा में जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है वो भी तो कोड बदल बदल करके देता है, कोड ए फलना क्वेश्चन, कोड बी ये क्वेश्चन, कोड सी ये क्वेश्चन, तो जब धरती पर परीक्षा लेने वाला एग्जामिनर अलग अलग परीक्षा लेकर के अगले क्लास में बढ़ाता है, आप 1 क्लास से 2 में आए अलग लेवल का क्वेश्चन था, 2 से 3 में आए, 4 में आए, 5 में आए, धीरे 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 आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चला गया। जब जीवन में अपने आप को अपग्रेड करना है आगे बढ़ाना है तो समस्याएं एक से एक आएंगी, समस्याएं बड़ी बड़ी आएंगी, कभी किसी के जीवन में छोटी समस्या नहीं आती, उसके लेवल से बड़ी समस्या होती है। अब उस समस्या को हल करने का आपके पास सूझबूझ कितना है, आप अपने मस्तिष्क का यूज उस समस्या के ऊपर कितना देर कर रहे हो, समस्या से विचलित होकर के समस्या के बारे में सोच रहे हो या फिर समस्या के समाधान के बारे में सोच रहे हो, इसके लिए माइंड के पावर को बढ़ाना होगा, मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाना होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, यानी ये जो मस्तिष्क है ये कंप्यूटर से भी तेज है, कंप्यूटर को बनाने वाला मस्तिष्क है, कैलकुलेटर को बनाने वाला मस्तिष्क है। अभी तक वर्तमान समय में मानवीय मस्तिष्क का केवल और केवल 10% हिस्सा यूज हुआ है, केवल 10% हिस्सा ही इस मस्तिष्क का यूज हो पाया। मित्रों आप कल्पना करो अगर 90% और हो जाए तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, और बिहारी तो कुछ भी कर सकता है अगर 90% यूज कर दे तो। 10% किसने किया, आइंस्टीन ने किया था, केवल 10%। फिजिक्स और मैथमेटिक्स की दुनिया में उनसे बड़ा साइंटिस्ट आज भी नहीं कोई आता है सामने,
10% हिस्सा यूज करके इतना बड़ा बन गया। हम लोग कहीं ना कहीं अपनी इस क्षमता को इतना स्कैटर्ड किए हैं, इतना जगह लाइन दिए हैं, कनेक्शन लिए हैं कि दिन भर ये बेचारा उधर ही दौड़ते रहता है, फोकस हो ही नहीं पाता। आप देखते हो सूर्य की रोशनी जो होती है इतनी फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाती। जब तक आप उसको कलेक्ट नहीं करते हो कोई रोज काम नहीं कर पाती। ठंडा के दिन में आप बाहर बैठते हैं, थोड़ा सा गर्मी देती है, कोई बड़ा काम नहीं कर पाती। जब आप उस सूर्य की रोशनी को एक जगह एकत्रित करना सीख लो, तो एक लेंस लिया, ग्लास का टुकड़ा लिया और सूर्य की रोशनी को एक जगह एकत्र करके कलेक्ट करके किसी बिंदु पर आप गिरा दिए, अब विद इन सेकेंड सूर्य की रोशनी में उसकी गर्मी में इतनी क्षमता है कि वो उस वस्तु को जला करके नष्ट कर सकती है, जला करके खत्म कर सकती है। आप कॉन्सेंट्रेट करना सीखिए, कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास करिए। मस्तिष्क की क्षमताओं को एक जगह एक केंद्र पर लगाने का विज्ञान जो है वो गायत्री महामंत्र है। विवेकानंद से लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप तो 39 साल में इतना काम कर करके चले गए कि कोई 3900 साल में नहीं कर पाएगा, अगर आपका अगला जन्म हुआ तो आप क्या करोगे? विवेकानंद से प्रश्न किया गया, अगर आपका अगला जन्म होगा तो आप क्या करोगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगले जन्म में केवल मेरा एक टारगेट रहेगा, हम अपनी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाएंगे। विवेकानंद ने कहा अपने कॉन्सेंट्रेशन के पावर को बढ़ाएंगे, केवल मन को कितना हम एकाग्र कर सकते हैं इस पर हमको कार्य करना है। मेरे मित्र विवेकानंद को आप पढ़ोगे तो जानोगे 400 पन्नों की किताब को मात्र आधा घंटा में पढ़ जाते थे। 400 पन्नों की किताब को मात्र आधा घंटा में पढ़ जाने की क्षमता उनके मस्तिष्क में थी, फिर भी कहते थे अगला जन्म हुआ तो एकाग्रता के ऊपर और काम करना है, कॉन्सेंट्रेशन पावर को और बढ़ाना है। और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही होगा, गायत्री मंत्र करना ही होगा, नहीं तो आने वाले समय में इतने भटकाव, इतने डेविएशन, इतने डिप्रेशन और टेंशन में मनुष्य अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे, आप प्रत्येक दिन कम से कम 20 मिनट का जो ध्यान बताया जाता है, 20 मिनट का जो मेडिटेशन बताया जाता है, वो अपने लिए खुद के लिए समय निकाल करके बैठे, अगर खुद की जिंदगी से प्यार है तो। बहुत समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच हम सभी के बड़े भाई मार्गदर्शन